MacBook Pro 13 inch 256 GB आ गया. Congratulations, buddy. Thank you. अरे तेरी मैं इधर आ दिया इसने. गुड मॉर्निंग ऑल एमएसकेंस, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे. मुंबई में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही. कल रात को खतरनाक बारिश हो रही थी, सुबह भी हो रही है, दोपहर में भी हो रही है. और बारिश जब होती है ना, अंदर से एक आलसीपन आ जाता है कि तू क्या करेगा, उठ के यार कहीं जा तो सकता नहीं है, सो जा. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. कहाँ से आवाज निकल रहा है? गुड मॉर्निंग. फिर से आवाज निकल रहा है तू? मैं बोल रहा है आज मैं नहीं है, उसको जुलाई से कहना पड़ेगा. गुड मॉर्निंग. मेरे बिल्ले लला. गुड मॉर्निंग लला. गुड मॉर्निंग. देखें मौसम तो बहुत रोमांटिक हो रखा है. मौसम नहीं चाहिए रोमांटिक मौसम, थोड़ा सा सूरज उरज लाओ यार, थोड़ा काम काज किया जाए अपना. और ये बकरे रात भर इनका प्या प्या चलते रहता है. सही बवाल चीज है ये. हेलो दोस्तों, वालेकुम वाला मरहबे, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमसिन खान, वेलकम टू माय YouTube चैनल MSK. कल जो मैं सोच रहा था कि MacBook Pro लिया जाए, वही सोच आज भी रिपीट हो रही है कि क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. अभी यहाँ पर मॉम डैड नहीं है तो प्लान कभी भी बन सकता है ट्रैवल का. अगर होते वो लोग तो कम से कम 15 दिन का तो मैं मुंबई में रहता, क्योंकि घर वाले होते, घर का खाना होता. अभी घर पर होके भी ऐसा लग रहा है कि मैं घर पर नहीं हूँ, लेकिन खाने की वजह से नहीं, क्योंकि घर का खाना नहीं है. तो कभी भी ट्रैवल प्लान बन सकता है, और जब भी ट्रैवल प्लान बनेगा तो ये लैपटॉप तो धोखा देने वाला है, ये तो भरोसा नहीं इसका. एक मैकबुक प्रो लेके रख लेते हैं. लेकिन मैं फिर भी कुछ दिनों तक मुंबई में रुकूंगा. ये जितने दिन भी मैं मुंबई में रुकूंगा, मुझे एक बुक खत्म करनी है. मुझे अपना जो फिटनेस साइकिल था, जो फिटनेस ट्रैवल में बिल्कुल भी जीरो हो चुका था, वो शुरू करना है. काफी सारे काम है जो मुंबई में रह के ही पॉसिबल हो सकते हैं. सोच रहा हूं क्यों ना एक इंटरनेशनल ट्रिप भी हो जाए, जैसा दुबई हुआ था वैसे कोई. सोच रहा आज उसी पे चर्चा करने के लिए हमें मिलना है पूनम से. पिछले 3 दिन से मैं कपड़े धो रहा था, आज जाके कपड़ा धोना कंप्लीट हुआ है. बिकॉज दिन में आजकल क्या हो रहा है कि दिन में ना पानी नहीं आ रहा है. पहले दिन में भी पानी आता था, रात में भी पानी आता था. अभी दिन में पानी कट ऑफ हो गया, सिर्फ रात में पानी आता है और रात को ही कपड़ा धोना पड़ता है. ये जो बारिश वारिश हो रही है ना मुंबई में, शायद इसकी वजह से ऐसा हो रहा है. ये इसका फेवरेट स्पॉट है. मजनू को ना हमेशा टॉप पे रहना है. मतलब हम ट्रैवलर तो कुछ भी नहीं, ये सबसे खतरनाक ट्रैवलर है. इस घर का कोना कोना इसने ट्रैवल किया है, इसको पता है कहाँ कहाँ पर छुपने की अड्डा है. वैसे बिल्लियां जो होती है ना, वो मतलब अंदर से ही ट्रैवलर होती है कि नहीं? बहुत इनको जिज्ञासा होती है हर चीज को जानने की. रेडी है? चल जाना का है, लैपटॉप लेने के लिए चलता है. लैपटॉप लेगा जरूरत क्या, लेकिन अभी चल रहा है तेरा. ये कभी भी धोखा दे सकता है. और जो मैंने वादा किया है ना पब्लिक से, उस वादे की कीमत थोड़ी चुकानी पड़ेगी. वादे के मुताबिक रोज रोज व्लॉग देना, अगर एक दिन भी लैपटॉप ने प्रॉब्लम कर दिया तब क्या होगा? तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता? कोई रिस्क नहीं, वादा किया हूँ हर दिन एक व्लॉग देने का. अपने बर्थडे तक दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी कीमत चुकानी क्यों ना पड़ जाए देंगे. बट वही है, दो चीज हो सकती है कि व्लॉग ना आए, या तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, दूसरी चीज कहीं पे अगर नेटवर्क ना रहे तब. अदरवाइज कोई रीजन नहीं ब्रो, फुल ऑन. जो वादा किया है निभाऊंगा. ये महीने में तीसरा लैपटॉप होगा एप्पल का. मेरा लैपटॉप नहीं होगा ना तीसरा, मतलब हाँ, मतलब टीम की तरफ से एक आर्य का, एक पूनम का और मेरा एक तीसरा. एप्पल वाला तो भाई तुम कुछ करो एप्पल वाला. पता है मैं एप्पल की जब बैटरी चेक कर रहा था ना, बैटरी का उसमें दिखाता है, तो उसमें लिखा था सर्विस रिकमेंडेशन, और उसके नीचे लिखा था कि जैसे जैसे वक्त होते जाता है ना, बैटरी का जो क्या कहते हैं उसको, कैपेसिटी कम होते जाता है. अगर मान लो जब नया खरीदते हैं, तो अगर वो 20 घंटा चल रहा होगा ना, तो 3 साल बाद शायद वो 3 घंटा चले, ऐसा है उसमें लिखा था पहले से ही. जाके लेके आते अपन. सर बाहर बारिश हो रही है. हम जब बाहर निकल रहे थे, क्या हो गया? ये बैठ उधर, ये उधर बैठ, उधर बैठ. थोड़ा सा तुमने प्लेट हिलाया ना, तो वो समझ गया कि खाना मिलने वाला है इसको. तो हम लोग आज बाहर खाना खाएंगे, तो इनके लिए खाना दे के जाते हैं, नहीं तो फिर भूखे रह जाएंगे. और यही एक लैला मजनू एक कड़ी है, जिसकी वजह से शफीक हर टाइम मेरे साथ घूम नहीं पाता है. भागो 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 भागो, खाना खाना खाना, भागो 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 भागो. ये प्लीज बोलती है. बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही यार. हम वेट कर रहे थे कि बारिश थोड़ा स्लो हो तो निकले हम लोग. छाते भी उड़ जाएगा मेरा, इतना हवा भी चल रही है. आराम से. ये गया मेरा छाता, गया. राम तियारी. अरे यार यहाँ पर तो सब फंगस वंगस लग गया यार. ये है हमारी गाड़ी की दुर्दशा, ये देख रहे हो पूरा फंगस लग गया है. व्हाइट फंगस यहाँ, गियर बॉक्स में, यहाँ. इससे बुरी दशा मेरी गाड़ी की आज तक कभी नहीं हुई. एटलीस्ट यार समीर को इसको एक बार तो देख लेना चाहिए था पूरे टाइम में. क्या किया उसने यार?
जिसको वॉश के लिए देता वो भी नहीं देखा गया ये क्या ये सीन भाई। एक बार अंदर से धोता है तो अंदर से धुला ही नहीं, मतलब फिर पैसा पूरा लेके गया। बट गाड़ी की अच्छी बात ये है कि एक सेल्फ स्टार्ट में स्टार्ट हो गई है। उसको बोला था अंदर से साफ करने के लिए, पहले डील जो हुई थी ना हफ्ते में 3 बार हुई थी, फिर उसने 2 बार किया, फिर बाद में बोलता भाई हफ्ते में 1 ही बार होगा, अब ये हफ्ते में 1 ही बार नहीं कर पा रहा। वो सैनिटाइजर लगा देते क्या? फिर फंगस की बास आ रही है। देवी और सजनों, मैं हूं मोहम्मद सलीम खान, आपका मौसम विभाग से मुंबई की सड़कों का रिपोर्ट देते हुए बताना चाहते हैं कि मुंबई की सड़कों पे हर जगह पे पानी भरा हुआ है, बारिश हो रही है, धीमी धीमी सी ट्रैफिक जाम लगी हुई है। एमएसके के रामप्यारी का भी ब्रेक जाम है, ऐसे करके ठीक से ब्रेक नहीं लग रहा है, तो धीमी धीमी सी ट्रैफिक में एमएसके धीमी धीमी सी गाड़ी चलाते हुए। बाकी सब एकदम बढ़िया है। क्या हो गया हाल मुंबई का यार, मतलब सभी इतनी बारिश, इस बार मुंबई जम के बरस रहा है। वैसे तो हर टाइम जम के बरसता है। यार हंस रहा है, हंस रहा है तो उसको चुप कराओ यार, उसको रुलाओ फिर। इतनी बारिश, किसी का यार हंस रहा है तो बारिश हो रही है, इतना ऐसा कैसे हंस रहा है यार जब बारिश हो रही है। एक्सक्यूज मी ब्रदर, एक्सक्यूज मी जींस ब्रदर। मैडम, ओ मैडम, तुमने लास्ट टाइम लिया था, कुछ डिस्काउंट करो। अरे यार, उसने कुछ डिस्काउंट नहीं दिया था, बाकी सारे जो एक्सेसरीज है ना उस पे 20% है। अच्छा, अच्छा। मैकबुक प्रो मैं ले रहा हूँ, छोटा वाला 13 इंच का ले रहा हूँ, बड़ा वाला ले नहीं रहा हूँ। बड़ा वाला अभी नया जब आएगा सितंबर, वो कह रहे हैं एम1 चिप वाला, वही लूंगा मैं। जब तू मैकबुक लेने के लिए आई थी, मेरे को गोल्डन कलर नहीं मिला, मेरे को भी नहीं मिला, मेरे को सिर्फ एक ही कलर का ऑप्शन मिला है, वो है कौन सा भाई? ये स्पेस ग्रे। अपने को कलर से क्या लेना देना है, अपने को तो एडिटिंग करना है। लैपटॉप के साथ साथ ये एक चमकीला रंगीला कवर, और ये शफीक के लिए मेरी तरफ से। शफीक को आईफोन दिया था ना, उसके पास चार्जिंग का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो उसके लिए। और कुछ अब खाते में ऐड करना है क्या? और कुछ मार्शल चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, चलो हेडफोन अच्छे है ना? नहीं अच्छे, अच्छे तो दिख रहे हैं, ये गेमिंग वाले ठीक है। मैंने बीट्स का लिया था, उसके बाद यूज ही नहीं किया। चलो कलर ऐसे क्यों आ रहा है, फेड हो रहा है, फॉग जमा हो गया क्या? कितनी हॉट लड़की आ गई है इसमें। माइक्रो फाइबर। तूने अपना मैकबुक एयर लिया था, पार्टी के नाम पे सिर्फ चाय पिलाया, आज मेरा मैकबुक प्रो आया है, आज पार्टी तू देगी। ठीक है, चल कहाँ जाना है? वो देख चाय की टपरी। खाना खाने चलते हैं। आ जाना शफीक, शफीक को पता बैंडा का चप्पा चप्पा, फिर आईसन नजदीक पड़ेगा। तेरे वीडियो पे किसी लड़की ने डुएट बनाया और वो लड़की को तूने आई लव यू बोल दिया है? शफीक, व्हाट इज दिस बिहेवियर? मैं तेरे को यकीन नहीं आ रहा, देख गलत बात है शफीक, कैसे कैसे क्या कर रहा है तू शफीक? किसी को भी आई लव यू मत बोला कर यार। शफीक मेरी बात सुनो, आई लव यू कहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं, तुम थैंक्स भी बोल सकते थे अगर मैंने ड्यूट तुम्हारे साथ किया। मैं थैंक्स ही बोला था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे आई लव यू बोल दो। शफीक मेरी बात सुनो, आई लव यू। इतने लोग मेरे को टैग कर रहे हैं इस पे, तेरे को टैग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टैग कर रहे हैं हर चीज। अरे बार बार फॉग दबा रहा है। चलो फिर चलते खाने के लिए चलते। MacBook Pro 13 inch 256GB आ गया। थैंक यू। मैं 512GB लेने का सोच रहा था, लेकिन मुझे पता है कि ये बैकअप लैपटॉप है तो ज्यादा इसमें भरने वाला नहीं, उसमें सिर्फ 3 सॉफ्टवेयर होंगे, फाइनल कट प्रो, दूसरा लाइट रूम एंड फोटोशॉप, इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर नहीं आएंगे। ये टप टप क्या बज रहा है, पानी बज रहा है, चलते फिर। कोई बताएगा मुझे पार्टी कहाँ हो रही है? पीडी का मतलब जब से मुंबई आया हूँ मैं, तब से कुछ ना कुछ खा ही रहा हूँ। एक दिन KFC खाया, एक दिन बर्गर किंग खाया। जब तक मॉम नहीं आता ना तब तक पूरा निपटा दूंगा मुंबई। उसके बाद में जब मॉम आएगा ना, मॉम के हाथ का खाना खाएगा। मम्मी के हाथ की बिरयानी तो लिस्ट है, मम्मी के हाथ का। ये बकरा ईद में मम्मी यहाँ नहीं है, सोच बकरा ईद में अगर होते ना यहाँ पर तो खाने की शॉर्टेड हो चुका होता सब। एक हफ्ता ऐसा वैरायटी मिलती है ना, हर डिश बन जाती है और खा के थक जाते हम लोग। एक हफ्ता बोलते भाई दाल दो। एक टाइम के बाद आता है वेज खाना दे दो यार, बहुत हो गया। हमने ऑर्डर क्या किया? बिरयानी। इन्होंने कुछ स्पेशल ऑर्डर किया, बताओ क्या? बताओ मोहितो। आज भी कहीं पर अगर मैं ये देख लेता हूँ तो कौन याद आता है? सत्या। लड़का बड़ा अच्छा है, बस एक ही बुरी आदत है, बस प्याज का। ये मेरे को देख के लग रहा है कि इसमें 10 लोग खा सकते हैं दोस्त। चार लोग का तो लग नहीं रहा है। चार लोग पता है कैसे लोग होंगे? समीर जैसे लोग, मेरा भाई जो है, ये हम जैसे 10 लोग लगेंगे इसको। बट ठीक है, बचेगा तो घर लेके जाएंगे, रात को यही खा लेंगे। निकाल दीजिए। मटन रान बिरयानी। मोहितो है, एक इनके लिए एक मेरे लिए। क्या बोलते शफीक फिर? बिस्मिल्ला बोल के हो गया मेरा बिस्मिल्ला। उसका हो गया, मैंने भी बिस्मिल्ला कर लिया, दुकान ही जा रहा था। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फुल ऑन, मतलब क्या तगड़ी वाली पार्टी हुई है भाई, खतरनाक पार्टी। यहाँ तक खाना आया है और खाना बच भी गया। खाना दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, फेमस हो गया तू। अब बस मेरे को एक ही चीज़ याद आ रही है,
नींद, मैं आधा घंटा सोऊंगा सिर्फ आधा घंटा। आधा घंटा मत बोल मेरा भाई, आधा घंटा मत बोल, सबको पता है अपना। तेरे को कहाँ छोड़ दूँ, बांद्रा स्टेशन? घर तक थोड़ी छोड़ूंगा मैं। एयरपोर्ट से दो मिनट दूर रहती हूँ, पर पागल जैसे आती हूँ माहिम तक तेरे को छोड़ने के लिए। हाँ तो तू एयरपोर्ट के पास रहती ना, उसके लिए शुक्रिया। देख ली तेरी दोस्ती, छोड़ दूंगा यार, टेंशन मत ले, छोड़ दूंगा। रो मत, रो के देख कैसा हो गया तेरा चेहरा। ये है हमारा नया लैपटॉप का कवर, और ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से शफिक के लिए। अनबॉक्सिंग एक ऐसी चीज है, अगर आपके आसपास कोई यूट्यूबर है ना, तो स्पेशली उनको बोलो कि भाई प्लीज अनबॉक्स कर दो, क्योंकि अनबॉक्स करने का जो हक है वो यूट्यूबर का, जैसे हमारा। चलिए शुरू करते हैं, मेरी तरह अनबॉक्स मत किया करें। शफीक, तेरा आई लव यू बोलने का कोई मकसद नहीं था, तू थैंक्स भी बोल सकता था, ये ले इसको, तू अनबॉक्स कर ले। अबे आराम से कर, बोला अभी भी तू भी एमएस के पार्ट टू बन रहा है, आराम से चितड़ा चितड़ा कर दिया पूरा। वारंटी के लिए बॉक्स तो बचा के रहा, बॉक्स का तो तूने क्या कर दिया। मेन पार्ट है ये, है क्या बात है शफीक, थैंक यू, लव यू। कुछ आवाज है, इधर आ दिया इसने। चल भाई ऐसे, ये सब्सक्राइबर ऐसा खटखटा रहा है। हाँ, दरवाजा खटखटा रहा है यार ये। पहले मुझे लगा हवा हवा होगी, ये तो बवाल है भाई, डरा दिया मेरे को सही में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी बारी है हमारे लैपटॉप की, मैकबुक प्रो 13 इंच 256 GB स्पेस ग्रे। इसको आराम से करना जरा। बहुत अच्छे, एक तो लैपटॉप है, चार्जिंग केबल है और अडैप्टर है। इसकी हमें जरूरत नहीं, तुम जाओ वापस, इसकी भी हमें जरूरत नहीं। ओके ऑलराइट, मैकबुक प्रो, व्हाट अ ब्यूटी मास्टरपीस, वाह। लवली इंग्लिश भारत। हे सीरी ओपन द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। हे सीरी शो मै डाउनलोड्स। सीरी इज रेडी। शफीक वो अपनी सीरी रेडी है, उससे एक दो चाय बोल दे रहा उसको। दो कटिंग मलाई मार के। हे सीरी टच आईडी ले, उंगली ले 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 ले। आज वाला ब्लॉग मैं एडिट करूंगा अपने नए वाले लैपटॉप में। 110% श्योर होता है कि एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट आप जब नया ना खरीदते हो ना, एक साल बहुत ही बेहतरीन चलता है, उसके बाद से प्रॉब्लम आना चालू होता है। इसके लिए मैंने इसका 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी करा के लिया है, तो इसमें टोटल 3 साल की अभी वारंटी है। ये ब्लॉगर लैपटॉप, ये बिजनेस लैपटॉप शॉर्ट है। ये वाला जो मैंने ट्रिप किया, इस ट्रिप में कुछ कुछ जगह ऐसी थी जहां पर इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आपने नोटिस किया होगा ये वाले ट्रिप में एक दिन भी ऐसा नहीं था कि व्लॉग नहीं आया, हर दिन व्लॉग थे और कुछ दिन तो दो दो व्लॉग्स थे। ये मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है कि मैं कोई ट्रिप पे गया हूं और ट्रिप पे चलते चलते व्लॉग्स भी आ रहे हैं और ट्रिप भी चल रहा है, मजा आ गया। शफीक शाबाशी दे मेरे को यार। मैं शाबाशी दूंगा, सब्सक्राइबर देंगे सब्सक्राइब करके। इस महीने काफी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स, नए लोग हमसे जुड़े, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। जितने भी लोग आप लोग नए जुड़े हैं यहां पर, थैंक यू सो मच, दिल से, दिल की गहराई से मोहब्बत बरसाओ, गहराई वाले झील से 2000 करोड़ लीटर शुक्रिया। ये मेरा बहुत पुराना डायलॉग था यार, मतलब कहां से आ गया ये। मैं ना वादे का बड़ा पक्का आदमी हूं, मैं मानता हूं कि कुछ टाइम ऐसा था मेरे YouTube के करियर में जब मैं YouTube को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया करता था, मतलब बहुत ही मनमौजी था। लेकिन YouTube से पहले जो जिंदगी थी, उस जिंदगी में मैं जो मेरे लव्स होते थे, जुबां होती थी, उसकी वैल्यू बहुत होती थी। और ये जुबां की वैल्यू मेरे डैड के लिए भी है। मेरे डैड भी अगर किसी को जुबां दे देना, तो उनके लिए जुबां से बढ़कर कुछ नहीं है। वो बात यहाँ पे आई, मतलब डैड से ही आई। तो मैंने जो बोला है पूरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो हो, कहीं से भी अगर कुछ टेक्निकल रुकावट हो, रुकने नहीं दे रहा हूँ मैं। बाकी बस ऐसी मोहब्बत बरसाए रखे, बाकी सब एकदम बढ़िया। Thank you for making part of it. I'll see you soon in the next vlog. Bye bye. खुदा हाफिज, live life, live your dream. Boom. ये कब से ऐसा दोस्त? फोन आ गया। अरे बिजी इंसान, कर ले बात। दूसरी चीज में उंगली निकल रही है। दूसरी चीज